सज्जन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को सीएमआर पर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। शाम को 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इसके बाद 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। गौरतलब तो यह भी है कि गहलोत पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य कारणों के चलते हुए लोगों से मिलजुल नहीं रहे थे और इसी वजह से मंत्रिमंडल फेरबदल का भी काम रुका हुआ है। किसानों की मांगों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितम्बर को भारत बंद का ऐलान किया। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए उन्हें रद्द करवाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद करने की मांगों को लेकर के आंदोलन का यह ऐलान किया गया। सीएमआईई ने अपनी बेरोजगार पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 55.75% ग्रेजुएट व हायर एजुकेशन वाले युवा बेरोजगार हैं, जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा 20.21% है। वहीं ओवरऑल बेरोजगारी के मामले में राजस्थान हरियाणा के बाद सबसे अधिक बेरोजगारी वाला राज्य है। हरियाणा की बेरोजगारी दर 30.3% है, जबकि राजस्थान में बेरोजगारी दर 24.59% है। बेरोजगारी में 20% का आंकड़ा पार करने वाले राज्यों में सिर्फ राजस्थान और हरियाणा ही है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स का मानदेय वेतन बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका प्रस्ताव को मंजूर किया और अब पर्यटक गाइड्स का मानदेय लगभग 3 गुना ज्यादा होगा। कोविड-19 महामारी के हालत में टूरिस्ट गाइड्स की बेरोजगारी, महंगाई में लगातार बढ़ोतरी और लंबे समय से इनका मानदेय नहीं बढ़ने के कारण स्थानीय और स्टेट लेवल के गाइड्स के हक में यह फैसला लिया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 26 सितंबर को होने वाली रीट के लिए JDC व नोडल अधिकारी गौरव गोयल और कलेक्टर अतर सिंह नारा ने कमेटी गठित करने के लिए निर्देश दिए हैं। JDC ने संबंधित अधिकारियों से प्रश्न पत्रों को पूछा। यातायात व कानून व्यवस्था, परीक्षार्थियों के लिए शेल्टर, पेयजल व साफ सफाई व्यवस्था करने को कहा है। नारा ने बताया कि कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनेगा और यह 25 से 27 सितंबर तक की रात तक काम करेगा। इसके अलावा 26 सितंबर को सभी CSC PSC खुले रहेंगे। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए News19 के साथ। नमस्कार। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर बनीपार थाना इलाके में फायरिंग देखने को मिली है। 4 बदमाशों ने फायरिंग की, तो वहीं फायरिंग में एक युवक की मौत भी हो चुकी है। मृतक का नाम अजय यादव बताया जा रहा। घटना के बाद जयपुर शहर में 1 क्लास श्रेणी की नाकाबंदी की गई। हथियारबंद पुलिसकर्मी नाकाबंदी में मौजूद है और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका News19 में। मैं आपके सक्षण आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत खराब चल रही थी काफी दिनों से, और इसी तबीयत खराब के बाद में अब वह कुछ हद तक आसान और अपना सेहत को अच्छा महसूस कर रहे हैं, और इसी के चलते हुए कल यानी कि बुधवार को उन्होंने CMR पर कैबिनेट की बैठक को भी बुलाया है। साथ ही साथ शाम के 4 बजे इस बैठक को बुलाया गया है और इसके बाद में शाम को 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। तो वहीं गहलोत की तबीयत खराब होने की वजह से यह बैठक नहीं हो पा रही थी और अब मंत्रिमंडल विस्तार भी जल्द से जल्द होने की आशंकाएं लगाई जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य को लेकर के जो खराब चल रहा था उसी को लेकर के यह अटकलें लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल फेरबदल में देरी हो रही है, लेकिन अब स्वास्थ्य भी सुधार हो चुका है और अब जल्द से जल्द मंत्रिमंडल फेरबदल के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि किसानों की मांगों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। जी हां, केंद्र के खिलाफ में यह भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो वहीं केंद्र की तरफ से जो कृषि कानून जो 3 लेकर के आए गए थे उनको रद्द करवाने को लेकर के और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद करने को लेकर के यह आंदोलन अभी किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत कई किसानों के संगठन भी मौजूद रहेंगे। और वहीं भारत बंद का ऐलान तो किया ही गया है, साथ ही साथ यह आंदोलन काफी लंबे समय तक के लिए किया जा सकता है।
साथ ही सभी को एक बात बता दूं कि सीएमआईई ने अपनी बेरोजगारी रिपोर्ट मई और अगस्त की जारी कर दी है। इसके अनुसार आप सभी को बता दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक 55.25% राजस्थान की ऐसी जनता है जो ग्रेजुएट है और हायर एजुकेटेड है, लेकिन वह इन दोनों के बावजूद भी बेरोजगार है। जी हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं उसके अंतर्गत 55.25% कुछ ऐसे स्टूडेंट्स और ग्रेजुएटेड और हायर एजुकेटेड लोग हैं जो अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। वहीं अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत के अंतर्गत यह आंकड़ा 20.21% है। तो वहीं सबसे ज्यादा राजस्थान और हरियाणा, ये दो राज्य ऐसे है जहाँ पर बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा बताई जा रही है, जिसके अंतर्गत हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर 30.03% तक बेरोजगारी दर है, तो वहीं राजस्थान के अंदर 34.35% तक यह बेरोजगारी दर मौजूद बताई जा रही है। और जल्द से जल्द इनकी बेरोजगारी को लेकर के सरकार को मंथन करने की ज्यादा आवश्यकता है। वहीं आप सभी को कोरोना के आंकड़ों से भी अवगत करा देता हूँ, जिसके अंतर्गत पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में राजस्थान के अंदर 9 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में 2 कोरोना के मामले सामने आए हैं। और अगर हम एक्टिव केसों की बात करें तो एक्टिव केसों का आंकड़ा कम हुआ है और अब 91 एक्टिव केस राजस्थान के अंदर अभी भी मौजूद बताए जा रहे हैं। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 सितंबर को संवाद करेंगे। सभी राज्यों के सीएम, सीएस और डीजीपी से संवाद किया जाएगा। तो वहीं कानून व्यवस्था के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर के सीधा संवाद किया जाएगा। आज मंगलवार का दिन है और आज का दिन आपके लिए क्या अहम रहता है और साथ ही साथ आज के दिन में क्या आपके लिए कोई नेक कार्य होने वाला है या आपके लिए किसी नेक कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त रखा गया है या साथ ही साथ आपके लिए कोई हानि हो सकती है, इन सभी के जवाबों का आंसर आज हमारे इस राशिफल के अंदर आपको जरूर मिलेगा। तो देखिए इसी पर हमारा ये खास राशिफल। मेष राशि, आपके सितारे मंगलवार को बुलंद रहने वाले हैं। अच्छे अवसर आपके हाथ लग सकते हैं। प्रॉपर्टी या आर्थिक व्यवहार संबंधित निर्णय सोच समझ करके लें। नौकरी में दिन बहुत अच्छा जाएगा। माता पिता आपके काम में हाथ बांटने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं वृष राशि की, जिसमें सुबह की शुरुआत तो आपकी अच्छी रहेगी और काम से जुड़ी चीज़ों में प्रगति धीरे धीरे देखने को मिलेगी। व्यवसाय से जुड़ा कोई मामला मंगलवार को हल हो सकता है। निवेश के मामले में आपको कोई नई सलाह जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, आपके लिए मंगलवार अनुकूलता से भरा रहेगा। बिजनेसमैन में आगे बिजनेसमैन बढ़ेंगे, तो वहीं सरकारी कर्मचारियों के रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य को परेशानी समझ करके उसकी सहायता कर सकते हैं और पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलने का भी यह दिन है। चलिए बात करते हैं अब कर्क राशि की, आपको कोई अच्छे काम की सलाह दे सकता है। शुभ समाचार मिलने के भी संकेत हैं, तो वहीं समाज में आपको उचित आदर सम्मान भी मिलेगा। आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और मजबूत होंगे। रोजगार की दिशा में प्रगति होगी, तो वहीं स्वास्थ्य ठीक रहेगा परंतु लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की, आप खुद पर विश्वास रखेंगे और कामों के बड़े अच्छे तरीके से निपटा भी देंगे। सपने साकार करने का सही समय है। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। बिजनेस और कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ रुका पैसा भी मिल सकता है। कारोबारी यात्रा में अनुकूल सौदे भी हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की, आप खुद को मोटिवेट महसूस कर सकते हैं। मन में नई चीज़ों को जानने की उत्सुकता बनेगी। भाग्य भरोसे नहीं रहें, मेहनत पर ध्यान दें। निवेश के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं, पुराने कर्जों से छुटकारा भी मिलेगा। तो वहीं संतान की शिक्षा संबंधी सफलता से परिवार में उत्सव भरा माहौल रहेगा। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की, आपके लिए भी मंगलवार अनुकूल रहने वाला है।
आपकी सकारात्मक सोच आपके भविष्य को संवारने में मदद करेगी, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, नए मित्र भी बन सकते हैं, आप घर के सदस्यों की इच्छाओं को समझने की कोशिश में रहेंगे। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आप अपनी पसंद या मनमर्जी के कामों के लिए उत्सुक होंगे, कुछ खास लोगों से आपकी निकटता भी बनी रहेगी, आपकी आय मंगलवार को बढ़ती दिख रही है, योजना बना करके काम करने से सफल रहेंगे, तो प्रॉपर्टी संबंधित काम करते समय पेपर्स अच्छी तरह से चेक कर लें। चलिए बात करते हैं धनुराशि की। आपको कोई महत्वपूर्ण बात पता चल सकती है, भाग्य पूरी तरह से आपके साथ खड़ा है, इसलिए समय का दुरुपयोग करें, आकस्मिक लाभ के अवसर मिलेंगे, नया व्यवसाय चाहते हैं तो सावधानी बरतें और युवाओं को नई नौकरी मिल सकती है। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। अपने मन की आवाज़ अवश्य सुने, आगे बढ़ने के लिए दिन बेस्ट है, भूमि भवन और वाहन खरीदने का मन भी बनेगा तो पैसों का सोच समझ करके इस्तेमाल करें, कोर्ट कचहरी में चल रहे मामले भी सुलझेंगे और कारोबारी यात्रा भी हो सकती है, घर में किसी मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। चलिए बात करते हैं अब कुंभ राशि की। आपको तरक्की के कुछ नए साधन मिलेंगे, जीवन साथी या पार्टनर का भरोसा जीत करके काम करें, इनकम अच्छी रहेगी और आपका आत्मविश्वास भी काफ़ी बढ़िया रहेगा, ऑफिस का काम घर पर रह करके रहें और लोगों से सीनियर्स प्रसन्न रहेंगे। चलिए बात करते हैं अब मीन राशि की। आपके व्यवहार में पॉजिटिव बदलाव आएंगे, कोई नया मोबाइल खरीदने का विचार कर सकते हैं तो दुकानदार ग्राहकों से अच्छे से बर्ताव करें, नौकरी में तरक्की के आसार हैं, अपनी योजनाएं और गोपनीय बातें किसी से शेयर ना करें। न्यूज 19 राशिफल के अंदर फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर एसीबी की श्रीगंगानगर में कार्रवाई देखने को मिली है। 9,000 रुपए की घूस लेते हुए एएसआई को ट्रैप किया गया, केस में राजीनामे की एवज में घूस मांगी गई, तो वहीं हिंदू मलम कोर्ट के तैनात है आरोपी एएसआई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आनंद गिरी शक के दायरे में इसलिए है क्योंकि नरेंद्र गिरी से उनका विवाद काफी पुराना था। इसकी वजह बागमबरी गद्दी की 300 साल पुरानी वसीयत है, जिसे नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे और कुछ साल पहले आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर गद्दी की 8 बीघा जमीन 40 करोड़ में बेचने का आरोप भी लगाया था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच उनके अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अखाड़ा परिषद के सदस्यों की राय है कि नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए आज बागमबरी पीठ में ही रहेगा, उसके बाद कल पोस्टमार्टम होगा और फिर धार्मिक संस्कारों के अनुरूप उनकी समाधि का कार्यक्रम रखा जाएगा। जल्द ही देश को पहला इलेक्ट्रिक हाईवे मिल सकता है। सरकार दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के दौसा में हाल ही में इसकी घोषणा की और इस हाईवे पर सभी इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे, इससे पैसा भी बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। केंद्रीय मंत्री की इस घोषणा को देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की राह में बड़ा कदम माना जा रहा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की सोमवार को संदिग्ध हालत में मौत तो हुई, वहीं इससे संत समाज व राजनीतिक दलों में शोक की लहर छा गई। सियासत के साथ महंत का पुराना साथ रहा है, चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर मामले में भी महंत की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। 5 साल पहले बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी से हुई महंत की मुलाकात में उन्होंने खुद को उनके पुत्र के समान बताया था। देश के अंदर बीते 24 घंटे में 24,897 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं, 34,467 ठीक भी हुए लोग, तो वहीं 251 की मौत हो चुकी है। इस तरह 9,827 एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीज कम हो गए हैं।
अब सिर्फ 3.2 लाख संक्रमितों का इलाज अभी भी जारी है। यह आंकड़ा 19 मार्च के बाद सबसे कम है, तब 2.82 लाख एक्टिव केस थे। एक्टिव केस की संख्या अगले ही दिन यानी 20 मार्च को बढ़ा करके 3.6 लाख हो गई थी और देश में बीते 3 दिन में 31,363 एक्टिव केस कम हुए हैं। पॉर्नोग्राफी केस में 19 जुलाई से जेल में बंद राज कुंद्रा को सोमवार को बड़ी राहत मिल चुकी है। मुंबई की सैंक्शन कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। जमानत देने के दौरान अदालत ने कहा कि राज लोकल पुलिस स्टेशन को जानकारी दिए बिना शहर नहीं छोड़ सकते। पति राज कुंद्रा की जमानत के बाद अब शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट शेयर किया है। उनका यह पोस्ट काफी चर्चाओं में भी है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज आईडी के साथ। नमस्कार। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर बनीपार थाना इलाके में फायरिंग देखने को मिली है। 4 बदमाशों ने फायरिंग की, तो वहीं फायरिंग में एक युवक की मौत भी हो चुकी है। मृतक का नाम अजय यादव बताया जा रहा। घटना के बाद जयपुर शहर में 1 लाख श्रेणी की नाकाबंदी की गई। हथियारबंद पुलिसकर्मी नाकाबंदी में मौजूद हैं और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का विवादों से गहरा नाता रहा है। इसी वजह से पिछले 8 साल से राजस्थान में एक भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं हो पाया। लेकिन राजस्थान क्रिकेट में सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की एंट्री के बाद हालात फिर से बदलने लगे हैं। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन होने जा रहा है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भी जयपुर में बनने जा रहा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बताया कि राजस्थान में क्रिकेट के हालात काफ़ी बदतर स्थिति में पहुंच गए हैं। हमारी कार्यकारिणी बनने के बाद लगातार क्रिकेट में सुधार के लिए काम किया जा रहा। जोधपुर के पीपाड़ में एक स्कूल संचालक ने आपा खो करके बच्चे को पीट दिया है। पहले तो लात से बच्चे को मारा, टांके में गिर गया तो उसे उठा करके कमरे में ले गया, फिर कपड़े उतार करके पीटा और परिजनों ने अश्लील हरकत का भी आरोप लगाया और संचालक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। पीपाड़ थानाधिकारी बाबूलाल राणा ने बताया कि पीपाड़ रेलवे स्टेशन के पास पतंजलि बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय के संचालक गोबर सिंह कछवाह व कर्मचारी लुम्बाराम के खिलाफ सुरेंद्र टाक ने मामला दर्ज करवाया है। उसने आरोप लगाया कि इस स्कूल में 11वीं कक्षा में उसका 15 वर्षीय पुत्र महावीर पढ़ता है और उसके साथ संचालक ने कपड़े उतार करके मारपीट की। राजस्थान पुलिस सेवा के ब्यावर डीएसपी हीरालाल सैनी के अश्लील वीडियो के बाद अब अजमेर जिले के पिंसागन थाने में कार्यरत तत्कालीन कांस्टेबल की अश्लील मोबाइल चैटिंग सामने आई है। साथ ही कांस्टेबल ने आपत्तिजनक फोटो वीडियो भी शेयर किए। मामला 9 महीने पुराना बताया जा रहा, जब कुछ छात्रों ने थाने में पहुंचकर के कांस्टेबल के खिलाफ टहलने के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब सोमवार को पिंसांगन पंचायत समिति सदस्य प्रदीप कुमावत, अजमेर ग्रामीण डीएसपी सुमित बहरड़ा को शिकायत देकर के मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ ही छात्रों से अश्लील हरकत करने के भी आरोप लगाए हैं और अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने आरोपी कांस्टेबल विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया। बारा शहर के लंका कॉलोनी में मधुबन सिनेमा के पास आज अल सुबह एक युवक मृत अवस्था में मिला। हालांकि युवक के शरीर पर किसी गंभीर चोट के निशान नहीं। शव मिलने की खबर मिलते ही क्षेत्र में सनसनी भी फैल गई। परिजन मौके पर पहुंचे, उसे अस्पताल लेकर के गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भी रखवाया। परिजनों ने युवक की हत्या का अंदेशा जताया है और पुलिस सभी पहलुओं पर मामले की जांच भी कर रही है। मृतक राजकुमार की 4-5 महीने पहले ही शादी हुई थी और वो ईंट भट्टा लगाता था। जानकारी के अनुसार लंका कॉलोनी निवासी राजकुमार प्रजापति के देर रात करीब 12 बजे घर पर था। देर रात को किसी से फोन पर बात करते हुए बाहर गया था और घर से करीब 150 मीटर दूर गली के कोने में करीब 2:30 बजे अचेत हालत में पड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही डीएसपी मनोज गुप्ता व कोतवाली सीआई
मांगेलाल यादव मौके पर पहुंचे। मेवाड़ के प्रमुख शक्तिपीठ इंडावा माता मंदिर में सोमवार की देर शाम 2 दर्जन से अधिक लोगों ने धावा बोला और मंदिर में लूटपाट की। इसी दौरान इन बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए मोबाइल छीन लिए और दान पात्रों में लगे ताले भी तोड़ दिए। करीब 1 घंटे तक मंदिर परिसर में हुड़दंग किया तो वहीं घटना की जानकारी मिलने पर गिंगला थाने से जाप्ता उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। इडाना माता शक्तिपीठ पर सोमवार शाम ग्रामीणों ने वहां के कर्मचारियों को धमकाते हुए दानपात्र कमरों के ताले लगा दिए। सूचना पर गिंगला थाना पुलिस मौके पर पहुंची तब वहां कोई नहीं मिला। गार्ड की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया और इडाना माताजी ट्रस्ट के सिक्योरिटी गार्ड हरि सिंह ने बताया कि गाँव के 40-50 लोग एक साथ शाम मंदिर पहुंचे और कर्मचारियों को धमकाते हुए मोबाइल छीन लिया और कमरों के ताले लगा दिए। पिछले 24 घंटे में बीकानेर राज्य में सबसे ज्यादा गर्म जिला रहा। यहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि राज्य के अन्य जिलों में इतनी गर्मी नहीं है। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में भी बीकानेर से कम गर्मी का एहसास हुआ। और इस बीच मंगलवार सुबह से बादलों की आवाजाही ने बीकानेर में आज बारिश उम्मीद की जा रही। राज्य भर में पश्चिमी राजस्थान में ही सबसे ज्यादा गर्म का एहसास हो रहा है। इसमें भी बीकानेर का पारा सबसे ज्यादा रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है तो श्रीगंगानगर में 37.2, जैसलमेर में 37.4, फलौदी में 37.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पश्चिमी राजस्थान के ही बाड़मेर में 34.1, जोधपुर में 33.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। सोमवार को राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खुल गए, जिसमें कक्षा 6 से 7 और 8 तक के लिए बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए पहुंचे। पहले दिन विद्यालयों में बच्चे ना के बराबर पहुंचे और जो बच्चे पहुंचे वो कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए पहुंचे। बच्चों ने मास्क लगाया था। पहले दिन बैठ करके बैठक व्यवस्था एवं परिचय में भी बीता। तो वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मथुरा गेट नंबर 44 बच्चों में से कुल 17 बच्चे आए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कच्चा कुंडा गोपालगढ़ में 47 बच्चों में से कुल 14 बच्चे स्कूल पहुंचे और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय न्यू मथुरा गेट में बहुत कम बच्चे स्कूल पहुंचे। बच्चों का आज पहला दिन स्कूल में मस्ती के साथ साथ पढ़ाई में व्यतीत हुआ और 8वीं क्लास की शिवानी, उत्तम, लक्की और पंकज ने बताया कि कोरोना के कारण 2 साल से घर पर ही रह करके पढ़ाई की। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। कोरोना को लेकर के खबर सामने आ रही है, जिसमें देश के अंदर 9 नए कोरोना के मरीज सामने आए थे पिछले 24 घंटे में। 7 जिलों के अंदर दर्ज किए गए हैं नए मरीज, तो वहीं राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 91 तक पहुंच गए। जयपुर में कोरोना के 2 मरीज मिले, तो वहीं कोरोना के कुल मामले राज्य में 9,54,263 तक पहुँच चुके हैं। राज्य में कोरोना से 24 घंटे के अंदर 19 संक्रमित रिकवर भी होते हुए नजर आए हैं और राज्य में कोरोना से 24 घंटे में कोई भी मौत फिलहाल नहीं हुई। चलिए रुक कर लेते हैं कोतवाली की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और जब उसके चचेरे भाई से बातचीत की गई तो चचेरे भाई का साफ साफ कहना है कि लड़कियों ने और लड़कियों के परिजनों ने मिलकर के उस व्यक्ति की हत्या की है। आखिरकार इस मामले के अंतर्गत क्या कुछ सामने आ रहा है, सबसे पहले तो देखिए कि आखिरकार मृतक के चचेरे भाई का क्या कुछ कहना है और उसके बाद में पुलिस का क्या कुछ कहना है और आखिरकार ये रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भाई नाम है मेरा भाई का, मैं चाचा का लड़का हूँ। वो क्या है, रात कल आया, उसके ससुराल में गया था, उसके बाद में वहाँ से मामा जी की बर्थडे था, वहाँ से आया 10 बजे आया यहाँ पे घर पे। 10 बजे आने के बाद में फिर वो घर पे घुस घुसा के और कपड़े वपड़े चेंज किए, उसके बाद में फिर पता नहीं 12-1 बजे आया वहाँ से। उसके बाद में वहाँ पे मधुबन रिसोर्ट के यहाँ पे वहाँ गली है, वहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली। 2 लड़कियाँ हैं, एक तो सोनिया है और एक उसकी दादी है और एक उसकी तीनों चारों हैं उसके दादाजी हैं, वो यहाँ चाचा भी है उसका, शक उस पर ही है और वो लड़कियों की करामात है। उसके पहले भी कई बार लड़ाई हुई और उसके 2 दिन पहले की घटना है, उसका
बाबा घर पे आ गया, जबरदस्ती आके बैठ गया सोफे पे, किसी को पता ही नहीं है कि ईंटें लेनी है। जब उससे लड़ाई चल रही तो किस बात की ईंटें लेगा, ये भी मैटर है। उसके बाद में फिर वो जैसे ही गया, लड़कियां घर पे आके बोलती है कि तेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, वहाँ पे पड़ा है वो। तो उनको 2 बजे रात को जग क्या कर रही थी वहाँ पे, तो रिपोर्ट दे दी कोतवाली में और नाम दर्ज करा दिया। और इसमें एक लड़का भी है, क्या नाम, खांडिया, वो इसके सपोर्ट में ही था लड़कियों के में। और इसके लड़कियों ने फोन लगाया हेमराज को, तो हेमराज को सारी घटनाक्रम पता है लेकिन वो मना कर रहा है। उसके बाद में फिर सो गया वो, सुबह 4 बजे जब मोहल्ले के लड़के गए तो उनसे सोने का नाटक कर रहा है। जब तेरे पास फोन आ गया रात को ही घर पे आके फोन आ गया, उसके बाद में फिर वो कह रहा है कि यार मैं तो सो रहा था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। लड़कियों ने हेमराज के मोबाइल, दोनों के मोबाइल छुड़ा लिए, राजकुमार का मोबाइल गायब है, 2 मोबाइल है उसके पास में, पैसे भी रहते हैं उसके पास में, 25-30 हज़ार रुपये भी थे, पेमेंट भी लेके आया था खानपुर से, वो सारा पेमेंट उसकी जेब में ही था, उसका ही पता नहीं है और दोनों मोबाइलों का पता नहीं है। और वो लड़कियां ये कह रही थी कि मेरे गेट के धक्का दिया है, तो गेट के धक्का देने के बाद मर के से गया आदमी और मर के वहाँ पड़ भी गया। उन्हीं की करामात है, सोनिया है एक तो, और उनका पूरा परिवार है उन्हीं की है, और वही आई है घर पे भी कहने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नितेश प्रजापति है, मैं उसका चाचा का लड़का हूँ, नितेश प्रजापति। तो क्या मैटर है? सूचना मिली थी कि राजकुमार जी प्रजापति हैं, उनकी कोई डेड बॉडी वहाँ श्रीलंका कॉलोनी पड़ी हुई थी, जिसको घर वाले उठा के हॉस्पिटल ले आए, यहाँ डॉक्टर ने मृत बताया, अब इनसे रिपोर्ट ली जा रही है, रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। कुछ परिजनों से बातचीत हुई आपको कुछ संदेह? अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। कोतवाली थाना क्षेत्र की लंका कॉलोनी मधुबन रिसोर्ट के पास देर रात एक युवक की लाश मिली है। परिजनों ने मोहल्ले की सोनिया नामक युवती व उसके परिजनों पर हत्या का संदेह जताते हुए कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने मामले की FSL जांच की मांग की, तो वहीं मृतक के चचेरे भाई नितेश प्रजापति ने बताया कि मेरा भाई राजकुमार रात को 10 बजे जन्मदिन की पार्टी में से खाना खा करके आया था, जिसके बाद कपड़े बदल करके घूमने चला गया था। रात 2 बजे उसकी लाश नाले के पास में मिली, जिसकी सूचना सोनिया व उसके परिजनों के द्वारा दी गई, तो हमें सोनिया व उसके परिजनों पर हत्या का संदेह भी है। तीनों आरोपियों के खिलाफ हमने कोतवाली पुलिस को नामजद रिपोर्ट भी दी, उनका ऐसा कहना है। और कोतवाली थाना अधिकारी मांगीलाल यादव ने बताया कि लंका कॉलोनी क्षेत्र में राजकुमार प्रजापति नामक युवक की लाश मिली है, जिसे परिजन अस्पताल लेकर के आए थे, जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, और वहीं मृतक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया, जिसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के द्वारा कराया जाएगा। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक ईंट भट्टे का काम करता था, जिसका पड़ोस में किसी लड़की से प्रेम संबंध भी बताया जा रहा है। कुछ माह पूर्व ही युवक की शादी हुई थी और उसके संबंधों को लेकर के परिजन भी दुखी थे, और घर से निकलने से पूर्व किसी का फोन आया था, जिस पर बात करते करते मृतक घर से निकला था। परिजनों ने सोनिया नामक लड़की व उसकी दादी व उसके परिजनों पर हत्या का संदेह जताया है। महंत नरेंद्र गिरी की कल मृत्यु हो गई है, और उनकी यह मृत्यु कोई आम मृत्यु नहीं है, यह संदिग्ध मृत्यु बताई जा रही है, और इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं, उनके शिष्य का ही हाथ नजर आता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है, और इसी के आधार पर उन्हें पुलिस ने हिरासत में भी ले रखा है। और क्या कुछ इस हत्या के पीछे आशंकाएं जताई जा रही हैं, और आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, या फिर यह एक संदिग्ध मौत की जगह नॉर्मल मौत है, इसका पूरा खुलासा देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट के अंदर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की सोमवार को संदिग्ध मौत हो गई। उनका शव प्रयागराज के उनके बागम्बरी मठ में ही फंदे से लटका मिला। उनकी मौत को लेकर के अलग अलग थ्योरियां सामने आ रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में उनके शिष्य आनंद गिरी हैं,
जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी वजह बागम्बरी गद्दी की 300 साल पुरानी वसीयत है, जिसे नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे और कुछ साल पहले आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर गद्दी के 8 बीघा जमीन 40 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद विवाद गहरा गया था और आनंद ने नरेंद्र गिरी पर अखाड़े के सचिव की हत्या करवाने का आरोप भी लगाया था। आखिर ये अखाड़े होते क्या है, इनकी परंपरा और इतिहास क्या है, इनमें एंट्री कैसे होती है, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में 13 अखाड़े बनाए थे। इन अखाड़ों का गठन हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया था। उस दौर में वैदिक संस्कृति और यज्ञ परंपरा संकट में थी, क्योंकि बौद्ध धर्म तेजी से भारत में फैल रहा था और बौद्ध धर्म में यज्ञ और वैदिक परंपराओं का निषेध भी था। वहीं धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की एक सेना की तर्ज पर ही अखाड़ों को तैयार किया गया था, जिसमें उन्हें योग अध्यात्म के साथ शास्त्रों की भी शिक्षा दी जाती है। आज तक वहीं अखाड़े बने हुए हैं। नासिक कुंभ को छोड़कर के बाकी कुंभ मेलों में सभी अखाड़े एक साथ स्नान करते हैं। नासिक के कुंभ में वैष्णव अखाड़े नासिक में और शैव अखाड़े त्र्यंबकेश्वर में स्नान करते हैं। यह व्यवस्था पेशवा के दौर में कायम की गई, जो सन 1972 से चलती हुई आ रही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से, जहां पर पुलिस प्रशासन ने लोक परिवहन बस का चालान काट दिया है। लोक परिवहन बस चालक बिना लाइसेंस के बस चला रहा था, तो वहीं पुलिस प्रशासन में लोक परिवहन बस की आरसी की जब्त। पुलिस प्रशासन ने अनूपगढ़ के भगत सिंह चौक पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं आप सभी को बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य में अब सुधार हो चुका है, और इसी स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल बैठक बुलाई है सीएमआर में कैबिनेट की, और इसके तुरंत बाद में उन्होंने मंत्री परिषद की बैठक भी बुलाई है, और साथ ही साथ अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार यह जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक के अंतर्गत तमाम निर्णय लिए जाएंगे और निर्णयों के साथ साथ जो मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार किया जाएगा उसके ऊपर भी रणनीति बनाई जा सकती है। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई और शाम को 4 बजे बाद यह बैठक होगी, जिसमें कई अहम फैसले भी किए जा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक बुलाई गई है। गहलोत की एंजियोप्लास्टी होने के बाद यह पहली कैबिनेट की बैठक होगी, और सियासी हलचल के बीच सीएम फिर से एक्टिव होकर के गहलोत ने सचिव के जो बैठक की तैयारियां की गई हैं उसको लेकर के अफसरों से काफ़ी देर चर्चा की जाएगी। सभी मंत्रियों को 22 सितंबर को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री निवास पहुंचने की सूचना भेज दी गई है। हालांकि बैठक का एजेंडा अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांव के संघ अभियान की तैयारियों को लेकर भी वीसी के थ्रू बैठक की है, जिसमें प्रेजेंटेशन देकर के अभियान की तैयारियों को लेकर के अलग अलग विभागों की ओर से किए जाने वाले कामों का ब्यौरा पेश किया। प्रशासन शहरों के संघ और गाँव के संघ अभियान को लेकर के भी कैबिनेट में फैसले लिए जा सकते हैं। गहलोत ने 5 विभागों की 7 योजनाएं स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल कर लिस्टेड करने का भी फैसला लिया है। प्रदेश के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जुड़ी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, उच्च शिक्षा विभाग की कालीबाई भीम मेधावी छात्र स्कूटी योजना सहित कई योजनाओं को लेकर के इस कार्यक्रम के अंदर शामिल किया गया। खबर बीसलपुर से, जहां पर बीसलपुर बांध का जल स्तर 311.06 मीटर तक पहुंच चुका है। बांध में लगातार हो रही है पानी की आवक, तो वहीं 24 घंटे में बांध के जल स्तर में 11 सेमी वृद्धि की गई। त्रिवेणी का जल स्तर 3.80 मीटर तक पहुंच चुका। महंत नरेंद्र गिरी की कल मृत्यु हो गई है, और उनकी यह मृत्यु कोई आम मृत्यु नहीं है, यह संदिग्ध मृत्यु बताई जा रही है, और इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं, उनके शिष्य का ही हाथ
नजर आता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है और इसी के आधार पर उन्हें पुलिस ने हिरासत में भी ले रखा है। और क्या कुछ इस हत्या के पीछे आशंकाएं जताई जा रही हैं और आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है या फिर यह एक संदिग्ध मौत की जगह नॉर्मल मौत है, इसका पूरा खुलासा देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट के अंदर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की सोमवार को संदिग्ध मौत हो गई। उनका शव प्रयागराज के उनके बागम्बरी मठ में ही फंदे से लटका मिला। उनकी मौत को लेकर के अलग अलग थ्योरियां सामने आ रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में उनके शिष्य आनंद गिरी हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी वजह बागम्बरी गद्दी की 300 साल पुरानी वसीयत है, जिसे नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे। और कुछ साल पहले आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर गद्दी के 8 बीघा जमीन 40 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद विवाद गहरा गया था और आनंद ने नरेंद्र गिरी पर अखाड़े के सचिव की हत्या करवाने का आरोप भी लगाया था। आखिर ये अखाड़े होते क्या है, इनकी परंपरा और इतिहास क्या है, इनमें एंट्री कैसे होती है, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में 13 अखाड़े बनाए थे। इन अखाड़ों का गठन हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया था। उस दौर में वैदिक संस्कृति और यज्ञ परंपरा संकट में थी, क्योंकि बौद्ध धर्म तेजी से भारत में फैल रहा था और बौद्ध धर्म में यज्ञ और वैदिक परंपराओं का निषेध भी था। वहीं धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की एक सेना की तर्ज पर ही अखाड़ों को तैयार किया गया था, जिसमें उन्हें योग अध्यात्म के साथ शास्त्रों की भी शिक्षा दी जाती है। आज तक वहीं अखाड़े बने हुए हैं। नासिक कुंभ को छोड़कर के बाकी कुंभ मेलों में सभी अखाड़े एक साथ स्नान करते हैं। नासिक के कुंभ में वैष्णव अखाड़े नासिक में और शैव अखाड़े त्र्यंबकेश्वर में स्नान करते हैं। यह व्यवस्था पेशवा के दौर में कायम की गई, जो सन 1972 से चलती हुई आ रही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है, जहां पर भीलवाड़ा में बेड़च नदी उफान पर बताई जा रही। नदी की पुलिया पर पानी का तेज बहाव है और चित्तौड़ का गंभीरी बांध ओवरफ्लो होने से बेड़च नदी में बड़ी पानी की आवक। त्रिवेणी नदी का जलस्तर भी 4.80 मीटर दर्ज किया गया। पॉर्नोग्राफी केस के अंतर्गत राजकुंद्रा की मुश्किलें पिछले काफी लंबे समय से बढ़ती भी नजर आई थी, लेकिन कल कोर्ट ने उन्हें राहत प्रदान करी है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि राजकुंद्रा को जमानत दे दी गई। तो वहीं राजकुंद्रा को जमानत तो दे दी गई, लेकिन वह अभी शहर से बाहर नहीं जा सकते हैं, और अगर उनको शहर से बाहर जाना है तो संबंधित थाने से वहां पर जानकारी देनी पड़ेगी और उनको प्रत्येक चीज की जानकारी के बिना वह शहर छोड़कर के नहीं जा सकते हैं। और साथ ही साथ इसका असर शिल्पा शेट्टी के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आया है, जो काफी लंबे समय के बाद में एक बार फिर खुश होती हुई नजर आई है, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर किया कि मुश्किल परिस्थितियों में जब आपका साथ नहीं हो, और उसके बाद में उन्होंने कहा है कि एक बुरे तूफान के बाद में खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। तो इसी को लेकर के देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार किस प्रकार से राजकुंद्रा के ऊपर अभी पाबंदियां लगी हुई हैं और इस केस के अंतर्गत क्या कुछ अभी चल रहा है। पोर्नोग्राफी केस में 19 जुलाई से जेल में बंद राजकुंद्रा सोमवार को बड़ी राहत मिलते हुए बाहर आए हैं। मुंबई के सेशन कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। जमानत देने के दौरान अदालत ने कहा कि राज लोकल पुलिस स्टेशन को जानकारी देने बिना शहर नहीं छोड़ सकती। पति राज कुंद्रा की जमानत के बाद अब शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट भी शेयर किया है और उनका यह पोस्ट काफी चर्चाओं में भी है। एक बुरे तूफान के बाद भी खूबसूरत चीजें हो सकती हैं, शिल्पा शेट्टी ने पोस्ट शेयर करके लिखा। इंद्रधनुष यह साबित करता है कि एक बुरे तूफान के बाद भी खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। इस पोस्ट में शिल्पा ने इंद्रधनुष का एक खूबसूरत फोटो भी शेयर किया। एक्ट्रेस के इस पोस्ट को उनके पति राज कुंद्रा की बेल से जोड़ करके देखा जा रहा है। पति के जेल जाने के बाद शिल्पा शेट्टी एकदम अकेली पड़ गई थी। हालांकि उन्होंने खुद को मजबूत बनाए रखा और सोशल मीडिया पर पॉजिटिव पोस्ट शेयर करती रही। शिल्पा शेट्टी हाल ही
माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने भी गई थी, जिसकी कुछ फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई थी। साथ ही राज कुंद्रा को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें पहले 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर रखा गया था, जबकि किला कोर्ट ने बाद में उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद से वे लगातार जेल में बंद थे और कुंद्रा की एक जमानत अर्जी से सैंक्शन कोर्ट खारिज कर चुका था। राज कुंद्रा पर शर्लिन चोपड़ा से लेकर पूनम पांडे तक ने कई गंभीर आरोप लगाए थे और मुंबई साइबर पुलिस के पास साल 2020 में केस दर्ज हुआ था। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर चौटन बाड़मेर से सामने आ रही है, जहां पर चौटन के उपरला सरहद में दो बेटों के साथ लेकर के टाके में मां कूद चुकी है। पानी से भरे टाके में डूबने से मां व बेटे दोनों की मौत हो चुकी है। मां ने दो बेटों के साथ लेकर के टाके में कूद करके आत्महत्या भी कर दी। तो वहीं सूचना मिलने पर चौटन पुलिस घटना स्थल के लिए रवाना हो चुकी। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद होगा कारणों का खुलासा। तो वहीं पुलिस ने परिजनों के सहयोग से टाके से शव निकालने के प्रयास शुरू किए। पॉर्नोग्राफी केस के अंतर्गत राज कुंद्रा की मुश्किलें पिछले काफी लंबे समय से बढ़ती भी नजर आई थी, लेकिन कल कोर्ट ने उन्हें राहत प्रदान करी है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि राज कुंद्रा को जमानत दे दी गई। तो वहीं राज कुंद्रा को जमानत तो दे दी गई, लेकिन वह अभी शहर से बाहर नहीं जा सकते हैं, और अगर उनको शहर से बाहर जाना है तो संबंधित थाने से वहां पर जानकारी देनी पड़ेगी और उनको प्रत्येक चीज की जानकारी के बिना वह शहर छोड़कर के नहीं जा सकते हैं। और साथ ही साथ इसका असर शिल्पा शेट्टी के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आया है, जो काफी लंबे समय के बाद में एक बार फिर खुश होती हुई नजर आई है, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर किया कि मुश्किल परिस्थितियों में जब आपका साथ नहीं हो, और उसके बाद में उन्होंने कहा है कि एक बुरे तूफान के बाद में खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। तो इसी को लेकर के देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार किस प्रकार से राज कुंद्रा के ऊपर अभी पाबंदियां लगी हुई हैं और इस केस के अंतर्गत क्या कुछ अभी चल रहा है। पोर्नोग्राफी केस में 19 जुलाई से जेल में बंद राज कुंद्रा सोमवार को बड़ी राहत मिलते हुए बाहर आए हैं। मुंबई के सेशन कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। जमानत देने के दौरान अदालत ने कहा कि राज लोकल पुलिस स्टेशन को जानकारी देने बिना शहर नहीं छोड़ सकते। पति राज कुंद्रा की जमानत के बाद अब शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट भी शेयर किया है और उनका यह पोस्ट काफी चर्चाओं में भी है। एक बुरे तूफान के बाद भी खूबसूरत चीजें हो सकती हैं, शिल्पा शेट्टी ने पोस्ट शेयर करके लिखा। इंद्रधनुष यह साबित करता है कि एक बुरे तूफान के बाद भी खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। इस पोस्ट में शिल्पा ने इंद्रधनुष का एक खूबसूरत फोटो भी शेयर किया। एक्ट्रेस के इस पोस्ट को उनके पति राज कुंद्रा की बेल से जोड़ करके देखा जा रहा है। पति के जेल जाने के बाद शिल्पा शेट्टी एकदम अकेली पड़ गई थी। हालांकि उन्होंने खुद को मजबूत बनाए रखा और सोशल मीडिया पर पॉजिटिव पोस्ट शेयर करती रही। शिल्पा शेट्टी हाल ही माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने भी गई थी, जिसकी कुछ फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई थी। साथ ही राज कुंद्रा को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें पहले 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर रखा गया था, जबकि किला कोर्ट ने बाद में उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद से वे लगातार जेल में बंद थे और कुंद्रा की एक जमानत अर्जी से सैंक्शन कोर्ट खारिज कर चुका था। राज कुंद्रा पर शर्लिन चोपड़ा से लेकर पूनम पांडे तक ने कई गंभीर आरोप लगाए थे और मुंबई साइबर पुलिस के पास साल 2020 में केस दर्ज हुआ था। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। खबर दौसा जिले से, जहां पर नगर परिषद के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है। धरनार्थियों और परिषद प्रशासन के बीच में लंबी वार्ता चली। तो वहीं वार्ता के बाद में परिषद ने भुगतान पर सहमति जताई, कहा ठेकेदार की फर्म के नाम जारी कर दिया जाएगा चेक। ठेकेदार ने भी भुगतान की सहमति दे दी है, पैसा खाते में आते ही भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं आप सभी को बता दूं कि संयुक्त किसान
किसान मोर्चा ने अब 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है और यह ऐलान केंद्र के जो 3 नए कृषि कानून लेकर के आए गए थे उन कृषि कानूनों के विरोध में इसको लाया गया है। और साथ ही साथ 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया गया है और इसके साथ साथ कई किसानों के संगठन भी इसमें मौजूद नजर आ रहे हैं। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में आज स्टडी सर्किल के समेत होटल रॉयल हवेली गार्डन में किसान कन्वेंशन का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न किसान संगठनों के साथ साथ मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, जन संगठनों एवं छात्र संगठनों ने भी हिस्सा लिया है। कन्वेंशन में संयुक्त किसान मोर्चा राजस्थान के सभी प्रमुख नेताओं ने हिस्सेदारी ली। तो वहीं कन्वेंशन में 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आह्वान की गई भारत बंद को लेकर के व्यापक रणनीति तैयार की गई है। कन्वेंशन को संयुक्त किसान मोर्चा राजस्थान के किसान नेता राजाराम मील, ताराचंद सिद्धू, प्रोफेसर सीबी यादव, केसी घुमरिया, सीटू के प्रवीण गुप्ता सहित कई लोगों ने आगामी किसान आंदोलन की रूपरेखा रखी है। बीकेवी के प्रवक्ता प्रोफेसर सीबी यादव ने बताया कि सभी वक्ताओं ने 3 कृषि कानूनों को लेकर के चल रहे किसान आंदोलन के प्रति सरकार का जो रवैया कड़े शब्दों में निंदा की है उसकी, और इसे न केवल अलोकतांत्रिक बताया बल्कि सरकार की किसान संगठनों से बातचीत नहीं करने की जिद को लोकतांत्रिक तानाशाही करार दिया है। कन्वेंशन में शरीफ में सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से 27 सितंबर के बाद भारत बंद को व्यापक रूप प्रदान करने का संकल्प लिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने राजस्थान सरकार को तालिबानी शासक कहा है। आखिरकार इसके पीछे बोलने की क्या बड़ी वजह सामने आ रही है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने एक बार फिर राजस्थान सरकार को तालिबानी शासक कहा है। सांसद ने कहा कि तभी तो बड़ौदा मेव में योगेश जाटव जैसे चिरागों को बुझा दिया जाता है। मन विचलित और बहुत दुखी है। राजस्थान सरकार की नाक के तले गरीब युवाओं को सरेआम मौत के घाट उतारा जा रहा है। हिंसा और कत्लेआम का मंजर राजस्थान में हर जगह देखा जा सकता है और अलवर के बड़ौदा मेव की घटना ने अंदर तक झकझोर करके रख दिया। यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी अनेकों कत्लेआम हो चुके हैं। आज एक बार फिर दलित परिवार अपने घर के चिराग को खो चुका है और संवेदनहीन सरकार तालिबानी हुक्मरानों की तरफ चुप्पी साधे है। सरकार को इस्तीफा भी दे देना चाहिए। वहीं अलवर के बड़ौदा मेव में मीना का बांस के पास 15 सितंबर को 17 साल के छात्र योगेश की मोटरसाइकिल किसी युवती से भिड़ गई थी। इसके बाद वहां मौजूद 6-7 लोगों ने उसकी पिटाई कर दी जिससे उसके कान से खून आने लगा। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। करीब 3 दिन बाद 18 सितंबर को योगेश की जयपुर में मौत हो गई। 19 सितंबर को हजारों लोगों ने बड़ौदा मेव में सड़क पर शव रख करके प्रदर्शन किया और इसके बाद सरकार ने प्रशासन को 5 मांगें सौंपी। उनका पूरा करने का आश्वासन मिलने के बाद रात 10 बजे मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर जगह जगह से जो अवनि लेखना को लोगों ने पोस्ट भेजे हैं वह सभी उनको डाक विभाग के द्वारा दिए गए और सभी को एकत्रित करके उनको सौंपा गया है। साथ ही साथ उनका सम्मान भी किया गया है उनके आवास के ऊपर। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आज भारतीय डाक विभाग राजस्थान परिमंडल व जयपुर नगर मंडल की ओर से पैरा ओलंपिक की गोल्ड मेडल विजेता अवनि लेखरा को कोने कोने से प्राप्त 5678 ई पोस्ट के माध्यम से बधाई संदेशों का वितरण निदेशक डाक सेवाएं BL सोनल व प्रियंका गुप्ता प्रवर अधीक्षक जयपुर नगर मंडल द्वारा किया गया है। वहीं कार्यक्रम जगतपुरा स्थित अवनि लेखरा के घर आशियाना ग्रीनवुड GDA शूटिंग रेंज स्थित बैडमिंटन कोर्ट में संपन्न हुआ है। विभाग के निदेशक मुख्यालय BL सोनल ने बताया कि भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से जयपुर नगर मंडल की प्रवर अधीक्षक प्रियंका गुप्ता के नेतृत्व में पैरा ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता अवनि लेखरा को बधाई देकर के भेजने को आमजन के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से मिशन को शुरुआत किया गया है। इस तरीके से आज 20 सितंबर की सुबह 1 बजे
कुल 5678 ई पोस्ट प्राप्त हुए, जिन्हें प्रिंट करके एक साथ उनके इस ऐतिहासिक जीत को जीवंत व यादगार बनाने के लिए विभाग की उपस्थिति में इस मुख्यालय का निदेशक होने के नाते व्यक्तिश उपस्थित होकर के ई पोस्ट संदेश को वितरित किया गया। वहीं साथ ही साथ भारतीय डाक विभाग खेलों को बढ़ावा भी देता है और प्रियंका गुप्ता प्रवर अधीक्षक जयपुर नगर मंडल ने बताया कि ई पोस्ट से बधाई संदेश भेजने के लिए हमने हमारा सॉफ्टवेयर में एड्रेस उपलब्ध करा दिया था, जिसमें कोई भी ग्राहक सीधे पोस्ट ऑफिस जाकर के अपनी लेखरा के नाम, सादे कागज या फिर अपने लेटर पैड या ग्रीटिंग कार्ड आदि पर अपने बधाई संदेश लिख करके 10 रुपए मात्र से अपने संदेश भेज सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।